कोविड-19 के चलते बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े परीक्षार्थियों की सजा माफ कर दी गई है। उनके पेपरों का मूल्यांकन करवाया गया है। निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया है तथा जो परीक्षार्थी निर्धारित अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन्हें फेल कर दिया गया है। उक्त परीक्षार्थियों को पेपर देने का मौका भी प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि नकल के दौरान पकड़े गए विद्यार्थी पर अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो वह 2 साल तक बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य हो जाता है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान जो भी विद्यार्थी नकल करते पकड़े जाते हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का बोर्ड अवसर देता है। पहले उक्त विद्यार्थियों को बोर्ड मुख्यालय में बुलाकर उनसे सफाई मांगी जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते बोर्ड ने पत्राचार के माध्यम से ही उक्त विद्यार्थियों को पक्ष रखने के लिए कहा था। इस दौरान लगभग 80 परीक्षार्थी ने पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष कोविड-19 के चलते बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े गए विद्यार्थियों की सजा माफ कर दी है। उक्त विद्यार्थियों के पेपर को मूल्यांकन करवाया गया तथा निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया तथा जो परीक्षार्थी फेल हुए हैं वे दिसंबर में परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ने छात्र हित को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय की 8वीं-10वीं जमा 2 कक्षा की परीक्षा के लिए नए सत्रों के पंजीकरण की सुविधा दी है। उक्त परीक्षार्थी परीक्षा के आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष नकल के कम मामले सामने आए हैं। इस वर्ष 10वीं में नियमित व SOS विद्यार्थियों के 234 व 12वीं में लगभग 315 विद्यार्थियों को नकल करते पकड़ा गया है। SOS 8वीं में 3 नकलचियों को पकड़ा गया था। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष लगभग 800 नकल के मामले सामने आए थे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोविड-19 के चलते बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े परीक्षार्थियों की सजा माफ कर दी है। निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया है तथा जो परीक्षार्थी निर्धारित अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन्हें फेल कर दिया है। उक्त परीक्षार्थी सितंबर में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्र हित को मद्देनजर रखते हुए सितंबर में आयोजित होने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय की 8वीं-10वीं व जमा 2 कक्षा की परीक्षा के लिए नए छात्रों के पंजीकरण की सुविधा दी है। उक्त परीक्षार्थी परीक्षा के आवेदन कर सकते हैं। अभी जो हाल ही में हमने परीक्षा ली थी 10वीं और 12वीं की, उसमें जो नकल के मामले UMC ऐसे मामले बहुत कम मिले थे। रेगुलर क्लासेस में देखें, रेगुलर स्टूडेंट्स के 10वीं में 87 केसेस थे, हालांकि SOS में ज़्यादा थे। SOS में 165 के करीब थे और प्लस टू में 86 रेगुलर में थे और 238 केसेस जो थे वो SOS के थे। रेगुलर जो जितने विद्यार्थी हैं उनमें तो नकल बहुत कम हुई है। आप मैट्रिक में देखें कि 7.5 लाख आंसर सीट्स पे केवल 87 सीट्स पे ही ऐसे UMC बने हैं और प्लस टू में 4.5 लाख से ज़्यादा आंसर सीट पे केवल 86 ऐसे मामले बने हैं। तो ऐसे सारे बच्चों से, चाहे SOS के हैं या फिर रेगुलर के रूप में उन्होंने परीक्षा दी थी, तो उन सभी बच्चों को हमने एक नोटिस जारी किया था और उनसे कहा था कि आप बताइए कि आपने नकल की है तो क्यों ना आपके ऊपर कोई आपके खिलाफ कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कईयों के जवाब आए, कईयों के नहीं भी आए, पर लेकिन हमने इस वक्त सोचा कि बोर्ड ने तय किया कि कोविड-19 के चलते हम एक राहत बच्चों को देनी चाहिए हमें, तो उसके चलते हमने जो उनको पेनल्टी लगनी थी या दंड लगना था वो माफ़ कर दिया और उन बच्चों के जो आंसर शीट से उनको इवेलुएट करवाया है और जो पास होने की स्थिति में वो पास हो गए हैं और जो स्थिति में नहीं हैं तो वो उस स्थिति में रहेंगे, लेकिन उनको एक राहत के तौर पर हमने ये दिया है कि उनके दंड को माफ़ कर दिया है।